सबसे पहली बात हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज सर सर्विस हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी ये पहले भी था अभी भी है अच्छा हमने अब ये पढ़ने से पहले एक बार यहां पे मैंने लिखा हुआ उसको अच्छे से वो देखिए हमने एक सर्कुलर पढ़ा था जिसके अंदर पढ़ा था क्या अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट अगर एडमिटेड है तो उसका जो रूम रेंट होता है रूम रेंट भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है और सर वो जो इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिटेड है उसे जो रूम रेंट लिया भले ही अलग से बिल में चार्ज करके लिया उसको भी कंपोजिट सप्लाई मानेंगे एंड उसको भी हॉस्पिटल की सर्विस ही मानेंगे उसको भी हेल्थ केयर सर्विस स्कोप में मानते हुए उस पर भी, भी, भी जीएसटी नहीं लगाएंगे ये सर्कुलर हमने पहले भी पढ़ा था पर अभी यहां पर एक प्रोवाइजो एड करके बोल दिया है जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में यहां लिखा है साहब प्रोवाइजो एड करके बोल दिया क्या अगर रूम रेंट एक्सेडिंग ₹5000 है पर डे तो वो रूम रेंट के अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा साहब मतलब रुपए पर डे का रूम रेंट अगर है तो तो ठीक है 5000 से ऊपर अगर रूम रेंट है मतलब भाई वो हॉस्पिटल नहीं होटल एक तरह से फाइव स्टार सर इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा वहां अमीर लोग ही रुकेंगे साहब उस पे लगाओ टैक्स वो लग्जरी सर्विसेज है एक तरह से इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया सर पहले तो यहां पढ़ो सर रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन हॉस्पिटल इज ऑल्सो एग्जम फ्रॉम जीएसटी हमने पढ़ा था सर हाउ एवर इफ एनी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस रूम रेंट एक्सीडिंग रुपीज फाइव थाउजेंड पर डे दे रूम रेंट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी अच्छा उसका ऑपरेशन किया उसका ट्रीटमेंट किया उसके चार्ज पर जीएसटी नहीं है रूम रेंट जो अलग से लिया उस पर जीएसटी है अच्छा छह हजार रुपए रूम रेंट है पूरे छह हजार पे जीएसटी बेटा देन रूम रेंट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बट चार्जेस फॉर आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू इंटेंसिव कार्डिकार्ट के लिए होता है बेटा विल बी एग्जेम फ्रॉम जीएसटी इस्पेक्टिव ऑफ दी चार्जेस मतलब सर आईसीयू एन आईसीयू सीसीयू और आईसीसीयू ये यह यहां पर कुछ इंटेंसिव ध्यान रखना पड़ता है इसलिए इनके रूम रेंट हायर ही होते हैं नॉर्मली तो इनके रूम रेंट पर टैक्स नहीं लगेगा साहब नॉर्मल जो रूम रेंट होते हैं हॉस्पिटल हो, हो, के अंदर वो अगर एक्सीडेंट रुपीज फाइव थाउजेंड तो के लिए ये प्रोविजन एक्चुअली एप्लीकेबल रहेगा एक सर्कुलर और इशू हुआ अच्छा सर्कुलर क्या इशू हुआ देखना ध्यान से वेदर एप्लीकेबल ऑन दि सर्विसेज बाय वे ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी प्रोसीजर सच इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे आईवीएफ आईवीएफ आपने नाम सुना होगा बेटा जब प्रेगनेंसी में कुछ इश्यू होते बेटा तो आईवीएफ प्रोसीजर के थ्रू सर लेडीज को प्रेग्नेंट किया जाता है और सर फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसके थ्रू तो सर ये जो हॉस्पिटल्स इस तरह की सर्विसेज देते हैं आईवीएफ वाली उनके उनसे जो चार्जेस लिए फीस लिया क्या उस पर जीएसटी है आंसर है क्या सर वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आया क्योंकि प्रेगनेंसी इज आल्सो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में कवर होती है साहब इसलिए उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा पढ़ो ध्यान से क्लेरिफिकेशन द एब्नॉर्मलिटी डिजीज और एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इज ट्रीटेड यूजिंग एआरटी प्रोसीजर सच एज आईवीएफ इट इज क्लेरिफाइड दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ आईवीएफ आर आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ

इसके लिए जो प्लांट होता है जो इनको सर हर हॉस्पिटल से क्लिनिक से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करके उसको प्लांट क्या करता है डिस्पोज ऑफ करता है उसके लिए जो चार्जेस लिए अब वो टैक्सेबल हो जाएंगे उस पर जीएसटी विड्रो एक्सिबिशन विड्रो हो गया है सेम वे, के बारे हमने, हमने पढ़ा था जब बच्चा पैदा होता है तब उसका कोड माँ के पेट से कनेक्ट होता है जैसे थ्री इडियट मूवी आपने देखी होगी बेटा ऑल इज वेल हाय ना भाई सर उसमें जब बच्चा पैदा होता है उसकी कोड माँ के पेट से कनेक्ट होती है उस कोड के अंदर जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं कई के के सारे ब्लड बैंक होते हैं सर अब इन्होंने जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लग जाएगा अच्छा, तो एंट्री थ्री था नोटिफिकेशन फोर ऑफ टू थाउंड ट्वेंटी टू के थ्रू ओमिट हुआ अठारह जुलाई दो हजार बाईस से ओमिट हुआ ये तारीख नोटिफिकेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पर्प के लिए याद हो भी नहीं पाएगा बेटा Okay? तो अननेसरी अपना टाइम इतना खराब मत करिएगा आप ध्यान रखिएगा कॉड ब्लड बैंक की सर्विसेज पे टैक्स लग गया अच्छा एक और बात 18 जुलाई से पहले क्या था वो एग्जाम था एक्जाम जुलाई के बाद क्या हो 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 गया 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 टैक्सेबल टैक्सेबल जुलाई से हो गया। ये भी आपको याद नहीं रखना है आपको जो एग्जाम में आएगा वो एज ऑन डेट क्या है टैक्सेबल है बस वो लिख के आना है पहले क्या था वो लिख के नहीं आना है ना पहले का पूछेंगे भी नहीं सर आपसे कभी भी सर देन सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में हमने पढ़ा था क्या अगर आप वेयर हाउस वेयर हाउस के अंदर फ्यूमिगेशन कर रहे हो तो उस पर जीएसटी एक्जाम था विद्रॉ कर दिया डिलीट कर दिया हमने टैक्सेबल कर दिया पढ़िए सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विसगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भले वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउस है वहां अगर आपने किया है तो नाउ इट इज अगेन टैक्सेबल पर हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा आप एग्रीकल्चर फार्म पे जाके फ्यूमिगेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर फार्म पे जाके फ्यूमिगेशन कर रहे हो तो वो पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जेम है उसको विद्रो नहीं किया वेयर हाउस

राइस जो ना राइस इसका तो अलग ही पॉइंट दे रखा है सर्विसेज बाय लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेर हॉसिंग ऑफ राइस ये एग्जाम पहले भी था अभी भी है पर अब ये पड़ेगा सर्विसेज बाय सर्विस ऑफ सीरियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बस इसके या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस सीरियल्स अनाज दाल पल्सेज एंड वेजिटेबल्स इसका वेरहॉसिंग या स्टोरेज कराओगे तो ही एग्जिबिशन मिलेगा अदरवाइज ट स्पाइसेज कोपरा शुगर कैन जैगरी रॉ फाइबर रो वेजिटेबल फाइबर लीव तेंदू लीव कॉफी टी इन सबके वेयर हाउसिंग स्टोरेज चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा एक्सिबिशन विद्रॉ हो गया है बच्चा ध्यान रखना यह सब प्रोसेस्ड फूड है टैक्स लगा दिया है बेटा ओके वेयर हाउसिंग चार्ज पे जीएसटी लगेगा सर स्लॉटरिंग भाई साहब बकरा काट रहे हो

एनालाइज करके सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया कि इसका मीनिंग ये है पढ़िए क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और दी फी चार्ज फॉर ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और फॉर ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा पहली बात तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एंट्रेंस करना है एडमिशन लेना है उसके लिए अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या कोई एग्जामिनेशन जिससे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर एडमिशन लिस्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन दी फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी ये, ये, ये एग्जाम थी अभी भी है इसलिए सर्कुलर के अंदर भी इसका रेफरेंस देकर बोला क्या ये एग्जाम रहेगा सेकेंड हमने ये भी पढ़ा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ पूरा एग्जाम रहता है हा है ना तो सर अगर मान लो कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा होता ना सर आप एक स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ के दूसरे स्कूल या कॉलेज जा रहे हो तो यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको तो सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो चार्जेस आपने पे किए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भले आप एक्स स्टूडेंट हो गए हो तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ही ना यार तो सर गवर्नमेंट ने बोला क्या ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए कोई फीस लिया तो उस पर भी जीएसटी रहेगा ओके okay? डन अब इस पूरे को पढ़ लीजिए सर आप सर्विसेज ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स आर सारी सर्विसेज कंसिडरेशन चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ एंट्रेंस फी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एक्सम जो भी हमने देखा द इज वाइड टू कवर द अमाउंट ऑफ फी चार्ज फॉर एडमिशन और फॉर एंट्रेंस और द अमाउंट चार्ज फॉर एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस और दी फीस चार्ज फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर एशुएंस ऑफ एलिजिबिली सर्टिफिकेट टू दैम कि वो एलिजिबल हो जाए एडमिशन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ देयर एंट्रेंस और एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुल मिला के एंट्रेंस के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चार्ज लिया है कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया है कोई भी इस तरह का फीस लिया है ऑल विल बी एग्जेम सर्विस अप्लाइड बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो मैंने बताया आपको दी लिविंग और एक्स स्टूडेंट आर ऑल्सो कवर्ड बाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशिशन रहे उनपे ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए फीस का फीस ही वैसे बहुत महंगी होती है साहब टैक्स का लगाया अठारह परसेंट इसलिए जीएसटी माफ कर रखा है अच्छा मेनमेंट है बेटा सर क्या आप कभी डांस सीखने गए म्यूजिक सीखने गए उसके लिए सर जीएसटी माफ था अभी भी है पर अभी अमेंडमेंट क्या वो ध्यान से पढ़ना सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल मतलब आर्ट्स और कल्चर की जो कोचिंग क्लास आप जा रहे हो वो अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पार्टनरशिप फर्म है कोई सोसाइटी है कुछ भी है तो टैक्स लग जाएगा भाई अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर है

स्पोर्ट सीखने का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने अगर आपको स्पोर्ट सिखाया तो जीएसटी माफ था अभी भी वही है सर किसी इंडिविजुअल ने स्पोर्ट सिखाया तो टैक्स लग जाएगा पार्टनरशिप वगैरह ने सिखाया सिखाया फीस ली टैक्स लग जाएगा सर डांस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने टैक्स लग जाएगा आर्ट्स और कल्चर सिखाना चाहिए इंडिविजुअल तो टैक्स माफ स्पोर्ट सिखाना चाहिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो टैक्स माफ अदरवाइज माफ नहीं है सर ओके ठीक आओ बच्चों हाँ जी हाँ। टूर ऑपरेटर वाला पॉइंट आया सर, नंबर नया पॉइंट इंसर्ट किया है, नया एग्जीबिशन एंट्री आया पर उससे पहले हम पॉइंट नंबर पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आ जाएगा जिंदगी में लिंक हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा बात है सर। ओके, सर। हमने टूर पहले भी पढ़ा था सर्विसेज बाय अ टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर विच इज होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया अगर कोई टूर हॉली आउटसाइड इंडिया ही कंडक्ट हुआ है और इंडिया का टूर ऑपरेटर था और जो टूरिस्ट था वो फॉरेन टूरिस्ट था तो ऐसे केस में जीएसटी पूरा ही एग्जिम रहेगा आई रिपीट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू अ टूर विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया तो जीएसटी एग्जिम रहेगा क्लियर ओके okay. ओके एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था मैकमा ट्रिप डॉट कॉम मान लो इसका ऑफिस का है मुंबई अंधेरी सर दुबई का कोई टूर. टूरिस्ट का था ऑस्ट्रेलिया घूमने गया दुबई का टूरिस्ट था बेटा मैकमाट्रिप डॉट कॉम से टूर बुक कराया जीएसटी एग्जाम रहेगा जो भी फीस उसने ली उस पर नो जीएसटी विल बी चार्ज पर सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो वही दुबई का टूरिस्ट दस दिन का उसने टूर बनवाया छह दिन ऑस्ट्रेलिया घूमने गया और पांच दिन हिंदुस्तान में रहा मतलब अब उसने मान लो ग्यारह लाख रुपए दिए टूर पैकेज के टूर ऑपरेटर को कितने इलेवन लाख रुपीज एंड द टूर वॉज कंडक्टेड पार्टली आउटसाइड इंडिया एंड पार्टली इन इंडिया तो क्या वो इस एग्जिबिशन से कवर हुआ है आंसर इज नो उट साइड पार्टली इंडिया में हुआ पार्टली आउट ऑफ इंडिया हुआ तो सर वो एग्जीबिशन में कवर नहीं हो रहा था तो टूर ऑपरेटर इंडस्ट्री ने साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हमको पूरा एग्जीबिशन मत दो पर कम से कम प्रोपोर्शन एग्जीबिशन तो दो जितना प्रोपोर्शनड वो आउट ऑफ इंडिया रहा था जितना टूर आउट ऑफ इंडिया के लिए कंडक्ट हुआ उतना प्रपोशनल तो एग्जीबिशन दो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट इंसर्ट किया और यहां देखना क्या लिखा है सर मतलब प्रोपोर्शन एग्जीबिशन मिल जाएगा कुल मिला के अब मेरी शायद बात आप तक पहुंच रही है सर पढ़िए इसको ध्यान से टूर ऑपरेटर सर्विस थीम समझ में आया बेटा अब पढ़ेंगे आपको टाइम नहीं लगेगा जल्दी समझ में आएगा टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म्ड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टी इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बायर ऑपरेटर टू अन टूरिस्ट इंडिया वाला टूरिस्ट नहीं होना चाहिए सर्विस विच इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया जितना प्रपोस्ट एंड आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म किया उतना ही एक्जीशन मिलेगा पर इसमें भी एक कंडीशन है सर वो प्रपोशन वैल्यू कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे सर छह दिन बाहर रहा पांच दिन इंडिया में रहा तो सिक्स डिवाइड इंटू जितना पर उसमें भी लिमिट दे रखा है है कि maximum 50 ही मिलेगा मतलब लाख लाख का कितना होता है, 5 lakh 50, ये हजार उतना ही एग्जीमिशन मिलेगा पढ़ो यहाँ पे बेटा आपको द वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म आउटसाइड इंडिया शेल बी सच प्रपोर्शन ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर दर टूर विच इज इक्वल टू द प्रपोर्शन विच द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टूर इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया दी टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर मतलब लाके नंबर ऑफ डेज के प्रपोर्शन करना है और फिफ्टी परसेंट ऑफ दंसिडरेशन चार्ज फॉर दायर टूर विच ऑवर इज लेस मतलब जो प्रपोर्शन करेंगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से एग्जाम्पल देकर बताऊंगा मैं आपको

मतलब बारह घंटे या मोर देन ट्वेल्ल तो पूरा दिन मानेंगे होता ना सर जरूरी नहीं कि होल डे के लिए गया है वो मान लो साढ़े दस दिन का उसका टूर था दस दिन पांच घंटे का था तो सर लेस देन आवर्स है तो उसको हाफ डे मानेंगे मतलब साढ़े दस दिन का टूर होगा ये माना जाएगा क्लियर टेन एंड हाफ डे ओके सर एक बार पढ़ते हैं एग्जाम्पल दे रखा है अच्छा समझ में आएगा अच्छा फॉरेन टूरिस्ट किसको बोलते है सर डेफिनेशन देखिए देख लो सर कोई खास बात नहीं फॉरन टूरिस्ट अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन सिक्स मंथ फॉर लेजिटिमेट नॉन इमाइग्रेंट पर्पज वो माइग्रेट नहीं हो रहा है इंडिया में केवल घूमने फिरने आया है उसको बोलते हैं फॉरन टूरिस्ट ठीक है तो समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करते हैं या था अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड टूर ऑपरेटर सर्विस टू अन टूरिस्ट एज फोलोज फर्स्ट इलेन देखिए थ्री डेज इन इंडिया एंड टू डेज इन नेपाल

आओ बच्चों सर कुल मिलाकर अगर टूर इज हॉली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया तो पूरे जीएसटी एग्जाम फॉरेन टूरिस्ट के लिए पर अगर फॉरेन टूरिस्ट के लिए टूर पार्टली इंडिया में कंडक्ट हुआ पार्टली आउट ऑफ इंडिया हुआ तो प्रोपोशन एक्जिमिशन मिलेगा पर प्रोपोर्शन कितना नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालेंगे नंबर ऑफ डेज जो आउट ऑफ इंडिया रहा है उतना प्रोपोशन एक्जिशन रहेगा पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ द टूर वैल्यू और हाँ ट्वेल्व आवर्स या मोर देन ट्वेल आवर्स बाहर रहा है तो पूरा एक दिन मानेंगे आवर्स या मोर देन ट्वेल आवर्स

पढ़ सर्विसेज बाय वे राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज ये जब भी ऑर्गेनाइज होगा सर इसका एंट्री टिकट लेंगे तो जीएसटी नहीं जीएसटी नहीं लगेगा एंट्री टिकट भी सर कोई खास बात नहीं Then, सर, हाँ जी, हाँ. ये लो सर. अच्छा, हमने एक पॉइंट पढ़ा था ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में हमने एक पॉइंट पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर इश्यू हुआ है पर, तो मैंने पहले पे, वो पॉइंट पॉइंट पढ़ा देता वैसे नीचे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में okay, बच्चो सर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउटिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोम बिटवीन प्लेसेज लोकेटेड इन इंडिया चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा था मैंने आपको क्या सर बॉम्बे से गोवा कोई क्रूज जा रहा है बॉम्बे टू गोवा या एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड अंडमान निकोबार के आइलैंड वगैरह है वहां बहुत सारे एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड आप जा रहे हो इन अ वेसल तो सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया उस पे पर जीएसटी पर अगर वो प्रीडोमेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज के लिए था तो उस पर जीएसटी लगेगा जैसे मैंने आपको बताया क्रूज चलता है बॉम्बे-दुकोवा, माहौल जबरदस्त, शानदार। उसमें अगर आप गए, तो तो उसके चार्ज पे जीएसटी लगेगा सर है ना? वही इन्होंने सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया कोई नया पॉइंट नहीं बोला देख लो आप क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टिकट्स ऑफ प्राइवेट फेरी यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा एक बात और यहाँ पे लिखा ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन वेसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि विच इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक जरूरी नहीं कि दैट शुड बी ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी भले प्राइवेट कंपनी ये फेरी वगैरह चला रही है आप अगर गेट वे ऑफ इंडिया जाएंगे मुंबई वहां पर भी देखना बोर्ड चलती है सब प्राइवेट फेरी जिसको बोलते हैं सर गवर्नमेंट की नहीं सब प्राइवेट लोगों की है क्लियर वो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड ले जाते हैं सर आपको रहा है ना सर उसमें बॉम्बे में अच्छा आपने गाना सुना होगा तुझे अक्षा बीच घुमा दू चलती क्या तो गेटवे ऑफ इंडिया से सर फेरी में बैठ के वहां जा सकते हो आप सर हाँ ना दैट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अदर देन फॉर टूरिज्म तो सर वहां अगर आप गए हो एलिफेंटा केव्स गए हो सर है हाँ ना सर अलीबाग अगर गए हो आप तो सर प्राइवेट फेरी ने जो आपको जो फीस आपसे लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर क्लियर ये इसका मीनिंग है सर पढ़ लीजिए सर दीज प्राइवेट फेरीज आर यूज As means of transport from one island to another in the Unman Nicobar island, Anman Nikobara example, diya. Mumbai Biosata Koi As per is Transport of passengers by public transport other than predominant for tourism purpose in a vessel between places located in India is exempted. It is clarified that this exemption would apply to tickets purchased for transportation from one point to another irrespective. वेदर फेरी इज ऑन ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट या सर प्राइवेट पार्टी चलाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब विच कैन बी यूज बाय जनरल पब्लिक इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज इन दी एक्शन नोटिफिकेशन लिखा ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये जो वर्ड यूज किया है एक्जीबिशन नोटिफिकेशन ओनली मीन दैट द ट्रांसपोर्ट शुड बी ओपन टू पब्लिक इट कैन बी प्राइवेटली और पब्लिकली फर्क नहीं पड़ रहा ओनली एक्सक्लूजन इज ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन विच इज प्री डॉमिनें फॉर टूरिज्म अगर टूरिज्म के लिए तो एक्सक्लूड किया एक्सिबिशन से उस पर टैक्स लगेगा सच इज सर्विस म्यूजिक अकोमोडेशन सच इज इन शिकारा क्रूज एटसेट्रा हा है ना भाई पार्टी शार्टी जिसमें होती है तो सर ऐसे क्रूज वगैरह पे टैक्स लगेगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर नहीं कहलाता के केवल के प्योरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कर रहेगा। वो वो फेरी हो या गवर्नमेंट की फेरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता आइए सर फेरी मतलब बोर्ड जो होता है ना उसको बोलते फेरी ओके सर फिर हमने पढ़ा था क्या बाय एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट बिलोंगिंग बाय एयर वो सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा बाग डोगरा अगर वहां फ्लाइट से वहां गए हो या फ्लाइट से आए हो तो फ्लाइट के टिकट पे जीएसटी माफ था अभी भी है सर पर अब जो एग्जीशन मिलेगा वो केवल इकोनॉमिक क्लास के लिए ही मिलेगा साहब पहले ये कंडीशन नहीं थी सर पहले आप बिजनेस क्लास में जाओ फर्स्ट क्लास में जाओ या इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हो बाय एयर अगर जा रहे हो उन नाइन प्लेसेस पे या वहां से अगर आ रहे हो तो फ्लाइट के टिकट पर टैक्स माफ था पर अब केवल इकोनॉमिक क्लास में अगर आपने ट्रेवल किया है भले उन नाइन प्लेसेस पे आप गए हो या वहां से आए हो टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा पर अगर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में अगर आप गए हो या वहां से आए हो फ्लाइट के टिकट पे टैक्स लग जाएगा इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा और एट बाग डोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इज ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन एनी क्लास अदर दिन इकोनॉमिक क्लास इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल किया तो माफ होगा टैक्स नहीं तो टैक्स लगेगा सर डन सर एक सर्कुलर इश्यू हुआ सर्कुलर आर मीयर क्लियरिफिकेशन नॉट अमेंडमेंट हाँ देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास ये अमेनमेंट है कि अदर दिन इकोनॉमिक क्लास पर सर आए ना सर अब यह सर्कुलर ने तो मेयर क्लेरिफिकेशन दिया जो प्रोविजन लिखा है उसी को क्लियरफाई किया यहां पे क्या लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स उस पर टैक्स एक्सक्लूडिंग ली, हम साथ साथ आपने पूरी 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 ट्रक, बस हायर कर ली, चार्टर कर ली तो उस पर टैक्स लग जाएगा साहब अदरवाइज नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के टिकट पर टैक्स नहीं लगेगा अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है अदर देन रेडियो टैक्सी ओके सर्कुलर क्या आप देखना सर क्लेरिफिकेशन ऑन वेदर हायरिंग ऑफ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हायरिंग मतलब आपने बस का बस किराए ले लिया नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बाय फॉर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दर एम्प्लॉज

ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर से क्या टिकट जो लिया है इन्होंने? सर, ना, देना, ये पूरी, पूरी बस आपने हायर करी है नॉन एसी कॉन्ट्रेक्टरी पढ़ा हायरिंग और चार्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एगिबिशन आपने भली नॉन एसी कॉन्ट्रेक्टरीज है ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर में काम आई है बट उसको एक्सक्लूड किया है किसको चार्टर और हायर आपने अगर बस की बस हायर कर ली तो उसके टैक्स लग जाएगा हाँ एम्प्लॉज ने मतलब कंपनी ने या फर्म ने पूरी पूरी बस हायर नहीं करी हर एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से बस में जा रहा है और बस का टिकट का पैसा जो कंपनी दे रही है तो तो वो एग्जिम रहेगा क्योंकि बस की बस हायर नहीं करी मेयरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता क्लियर डन यही सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया सर ये पढ़िए सर इट इज क्लियरिफाइड दैट चार्टर और हायर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी अब एक्सिमशन एंट्री सर ये जो एक्सक्लूड किया इट इज द हायर और चार्टर चार्टर और हायर ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम भले एक घंटे के लिए दो दिन के लिए दो घंटे के लिए सर आपने किराए ले लिया वेयर द रेंटर दैट इज सर्विस रेसीपेंट डिफाइंस हाउ एंड वेन व्हीकल्स विल बी ऑपरेटेड डिटरमाइंस द शेड्यूल डिटरमाइंस द रूट्स एंड अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशन क्लियर सर इन अदर वर्ड्स द सेट एक्सिमिशन वुड अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेटरी नोट्स

ज इज हायर्ड फॉरियड टाइम ड्यूरिंग नॉट कॉन्ट्रेक्ट इज एटल क्या शेड्यूलियर तो ऐसे केस में वो एक्जीबिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा और टैक्स लगेगा क्लियर ठीक सिंपल था कोई खास बात नहीं आओ बच्चो अगले पॉइंट की तरह पढ़ते हम सर अगला पॉइंट भी एक सरक्य सर अच्छा हमने एक एग्जीबिशन पढ़ा था सरकार एग्जामिशन क्या पढ़ा था हमने पॉइंट नंबर देखिए आप ये पॉइंट फोर पढ़ते फिर एग्जामिशन पढ़ लेंगे मतलब सर्कुलर पढ़ेंगे सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीए और अ कोरियर एजेंसी और बाय इनलैंड वाटर वेज ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड क्या तो माफ है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड किया तो एग्जेप्ट है भले सर आप किसी भी मोड से ट्रांसपोर्ट करो एक्सेप्ट जी और एक कुरियर एजेंसी जी पे टैक्स लगेगा और कुरियर एजेंसी पे टैक्स लगेगा अच्छा सर मान लो कोई प्राइवेट ट्रक ओनर है सर उसकी ट्रक की ट्रक मैंने हायर पे कर ली सर तो क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है क्या सर ध्यान देना अब ट्रक की ट्रक मैंने हायर पर ली भले उसमें ड्राइवर भी है सर हम बताएंगे उस हिसाब से चलेगा ना सर देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि मैंने आपकी बस में माल रखवा दिया अब आप ले आ रहे हो सर

क्लियर तो यहां पे क्या हुआ एक सर्कुलर मान लो सर्कुलर क्या आया मेरी माइनिंग से माइनिंग से सर जहां माइनिंग करता हूं मैं अब जहां से माइनिंग करके मैंने माल निकाला है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए वहां से मैं इसको कई और प्लेस पे ले जा रहा हूं जहां से मैं गुड्स का आगे फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करूंगा मान लो मेरा अपना गोडाउन है माइनिंग से माल निकाला और गोडाउन तक ले जाना है ट्रक खाली करके आएगी वापस यहाँ पे आएगी वापस माल उठाएगी वापस वहां ले जाएगी या फिर कोई रेलवे साइडिंग है सर सर क्या रेलवे ट्रैक मैंने ले रखा है सर माल निकलेगा रेलवे के वहां जाएगा वहां पे अनलोड होगा और ट्रक खाली करके गुड्स वापस आ जाएगी क्लियर और गुड्स वहां पे जो अनलोड करी इसने रेलवे साइडिंग पर वहां पर रेलवे या किसी और व्हीकल में लोड करके ले जाएंगे जहां ले जाना होगा अब यहां पर अगर मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला था कि तू तेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर देना तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा बाय रोड वो जीटीए नहीं है खुद ट्रक ओनर खुद ट्रांसपोर्ट करा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है तो एक्सम होता है पर मैंने ट्रक की ट्रक हायर कर ली सर और मैं अपने हिसाब से जब माइनिंग से पैसा माइनिंग से जब पैसा नहीं निकलता मिनरल्स निकलते हैं तब तो मैं वहां से सर माइनिंग एरिया से माइनिंग अपने गोडाउन पे या रेलवे साइडिंग पे गुड्स ले रहा हूं वापस ला रहा हूं सर ये हायरिंग ऑफ ट्रक वगैरह जो होती है इस पर जीएसटी लगेगा ये एग्जिम नहीं है पढ़ो सर क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स Within a mining area, say from mining pit head to railway siding, beneficiation plant, etc., by vehicles deployed with driver for a specific duration of time. Four days later, clearly. And whether the same would be covered by entry number 18 of notification number 12, which exempts transport of goods by road except GTA. So, this entry number 18 which we have seen. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट जीटीए जीटीए नहीं था वो छोड़ दो अभी आप क्लियर खुद ट्रक ओनर था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन नहीं आ रहा अब मैंने, ट्रक की ट्रक हायर तो रोड में कवर होता है क्या? तो यहां कि ना, 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 ना हम ऑलरेडी दो सर्कुलर पढ़ चुके हैं जिसमें बात हम कर चुके हैं यूजुअली इन सच व्हीकल सच इज टिपर्स डंपर्स लोडर्स ट्रक्स एटसेट्रा आर गिवन ऑन हायर दी माइनिंग लीज ऑपरेटर एक्सपेंसिज फॉर द फ्यूल आर जनरली बोर्ड बाई द रेसिपेंट ऑफ सर्विस फ्यूल भी जो माइन होल्डर है वो ही पेट्रोल डीजल भरवाता है उसमें दी व्हीकल विद ड्राइवर आर एट द डिस्पोजल ऑफ द माइनिंग लीज ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन द माइन एरिया दैट इज माइनिंग पिट जहां से माइनिंग होता है वहां से लेकर रेलवे साइडिंग या बेनिफिशियन प्लांट मतलब कहीं से प्लांट पर लेके देना है

उसमें रिवर्स आज नहीं लगता वहां पर भी, भी सर्कुलर पड़ा था अभी हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा और यहाँ पे भी, भी पढ़ लिया तो ये सिमिलर पॉइंट है सर सारे आई होप समझ में आया बेटा आपको कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है टिकट ले रहे हो आप केवल या आप केवल ट्रांसपोर्ट करा रहे हो ट्रक की ट्रक किराए पे नहीं ले रहे हो सर आप ट्रक किराए पर ली तो अपने हिसाब से अपने रूट के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से आप चलाओगे सर बस किराए पर तो अपने हिसाब से चलाओगे सर आप हाँ ना ये फर्क होता है रेंटिंग और ट्रांसपोर्ट में सर ठीक है आओ बच्चो नेक्स्ट सर एक पॉइंट नंबर सिक्स और सेवन था जिसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ अब नहीं हुआ उसकी वजह से टेक्सीबल हो गया समझना बात ध्यान से अच्छा एक बार पहले यह वाला पॉइंट पढ़िए तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी सर सर्विसेज बाय बाय वे ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया अरे आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स ला रहे हो बाय एयर लेके आ रहे हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू दि कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया पहले भी एग्जिम था अभी भी एक्जिम नंबर सिक्स और सेवन देखिएगा सर यह था इंडिया से आप आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हो पढ़ना सर्विस फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ऑ प्लेस आउटसाइड इंडिया इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो पॉइंट नंबर सेवन पढ़ना एक बार सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल

और 30 सितंबर 2022 के बाद इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया सेम यहां पे भी 30 September 2022 के बाद एयरक्राफ्ट मतलब तो मतलब या वेसल से गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हो तो आपने जो फ्रेड चार्ज किया उस पर जीएसटी लगेगा दैट विल नॉट बी एक्ज फ्रॉम जीएसटी टू ऑफ अक्टूबर 2022 भारत माता की जय मैंने लिखा है देखो सर विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी टू दिस सर्विस इज मेड टैक्सेबल बिकॉज द एक्मिशन इज नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड थर्टीबर टू थाउंडी टू सेम लिखा है सर अक्टूबर से दिस सर्विस इज मेड टैक्सेबल क्लियर डन ध्यान रखिएगा बात को अच्छा आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ला रहे हो बाय एयरक्राफ्ट तो पहले भी एक्जाम था अभी भी एक्सम है अच्छा आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ला रहे हो बाय वेसल तो पहले भी टैक्सेबल था अभी भी टैक्सेबल वो एग्जाम नहीं था यहाँ पे तो केवल एयरक्राफ्ट के थ्रू ही एग्जाम था बेटा के? पर इंडिया से बाहर ले आ रहे हो बाय वैसल या एयरक्राफ्ट तो अब टेक्सबल हो गया है सरकार बड़े शानदार नेक्स्ट अमेंडमेंट सर्विसेज बाय बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे और वेल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स सर इंडिया से इंडिया में वन प्लेस इन इंडिया टू आउट ऑफ इंडिया सॉरी क्या बोल रहा वन प्लेस इन इंडिया टू अनादर प्लेस इन इंडिया आप रेलवे या वेसल से फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो तो वो एक्सम था अभी भी है बस उसमें एक पॉइंट रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जो पहले एक्सिम था अब वो टैक्सेबल कर दिया हटा दिया मतलब आपने अगर रेलवे वेसल से फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किए तो टैक्सेबल हो जाएंगे तो रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया रेलवे और वेसल तो नाउ इट इज टैक्सेबल क्लियर रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या बाय रेलवे और वेसल तो नाउ इट इज टैक्सेबल अब एक्सिमशन विथड्रॉ हो गया है अच्छा बाकी गुड्स डिफेंस और मिलिट्रीट सर न्यूज पेपर्स और मैगजीस विदिस्टर ऑफ न्यूज पेपर्स एग्रीकल प्रोड्यूस मिल्क सोल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्स राइट एंड ऑर्गेनिक मेन्यूर इनका ट्रांसपोर्टेशन रेलवे वैसे पहले भी एक्जम था अभी भी एक्जम थे हाँ है ना रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जो जी टीम पॉइंट नहीं था यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट था यह वाला बेटा हटा दिया सर क्लियर अब टैक्सेबल हो गया भले जीटीए से ट्रांसपोर्ट करो या रेलवे वेसल से करो रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगेगा अच्छा जीटीए में भी सर भारी अमेंडमेंट किया है कि दो पॉइंट डिलीट कर दिया सर पहले था ना कि पूरी ट्रक में पूरे गुड्स कैरेज में जितने भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के अगर पंद्रह सौ रुपए तक का है फिफ्टीन हंड्रेड तक का है तो जीएसटी नहीं लगेगा और अगर पूरी ट्रक में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के पंद्रह सौ से ज्यादा है तो इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज अगर फ्रेट 750 या उससे कम है 750 या उससे कम है तो उन सब के इंडिविजुअल वाइज जो फ्रेट लिया उस पर जीएसटी एग्जिम रहेगा ये डिलीट कर दिया मतलब नाउ स्मॉल कंसाइनमेंट आर ऑल्सो मेड टैक्सेबल 1500 तो और साढ़े सात वाला जो लिमिट था वो हटा दिया है अब अगर मेरे लिए कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सौ रुपए लिए तो भी टैक्स लगेगा क्लियर अच्छा और खास बात बताए सर अभी रेलवे और वेसल के थ्रू जो छह गुड्स लिखे ना बेटा वो कि वो यहां लिखे हुए सर मतलब रेलवे और वैसल या जीटीए से इन फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो जीएसटी है है वो सारे पॉइंट पॉइंट सेम है सर यहां पे पहले एक एक्स्ट्रा एक एक था रेलवे इक्विपमेंट मटेरियल उसको हटा दिया और जीटीए में ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा था इसको हटा दिया तो अब कॉमन हो गए सारे पॉइंट जो ऊपर पड़ा वही यहां पे भी ये जीटी के लिए बेटा ओके माहौल और अकॉर्डिंगली सर मैंने ध्यान देना बेटा अब नेक्स्ट पेज जो है ना बेटा इस पेज पे ये इलस्ट्रेशन मैंने आपकी बुक में दे रखा था उसमें भी मैंने आंसर देखो यहाँ पर सेवन फिफ्टी वाला पॉइंट आ रहा था ये पंद्रह सौ वाला पॉइंट पहले एग्जाम थे बेटा अब इनको सर एक्जन विड्रॉ हो गया टैक्स लग जाएगा साहब हाँ ना बेटा टोटल फ्रेड रिसीव या निल नील हो गया है मतलब एग्जाम नहीं है टैक्सेबल रहेगा बेटा क्लियर ये क्वेश्चन का भी अब अप, आपको मैंने अमेंड करके दे दिया बेटा बुक के अंदर ये भी ध्यान दीजिएगा बेटा ओके इनके आंसर भी मैंने क्या कर दिए चेंज कर दिए अकॉर्डिंगली प्लीज सर आप प्लीज इन इलेस्ट्रेशन को भी अपने बुक के अंदर चेंज करिएगा ओके चलिए सर नेक्स्ट अमेंडमेंट आओ अमेंडमेंट नहीं एक सर्कुलर सर हमने पढ़ा था नेपाल भूटान सर लैंड लॉक्ड कंट्रीज इनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज सर यहां पे अगर कोई ट्रांसिट कार्गो ले आ रहे हो आप मतलब सरप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांसिट कार्गो टू नेपाल और भूटान आया ना भाईओ सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांसिट कार्गो टू नेपाल भूटान आर एक्सम फ्रॉम जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड इन सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांसिट कार्गो टू नेपाल और भूटान लैंड कंट्री तो ट्रांसिट कार्गो से रिलेटेड जो भी सर्विस है इन पर जीएसटी नहीं लगेगा भारत माता की जाए क्लियर डन अब सर ये पहले भी था अभी भी एक सर्कुलर इश्यू हुआ सर्कुलर क्या इश्यू हुआ ये तुम्हें समझाता हूं बेटा मैं क्या होता है बेटा कि नेपाल भूटान जो ट्रक माल लेके गई उस ट्रक ने वहां पे माल खाली कर दिया गुड्स अनलोड कर दिए अब वो ट्रक जो खाली आ रही है बेटा सर उसकी जो कॉस्ट है क्या उस पर भी जीएसटी रहेगा मान लो यहां से नेपाल भूटान गुड्स ले जाने का भाड़ा था थ्री लाख रुपये मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए और खाली ट्रक आ रही है उसका वन लाख रुपये टोटल चार लाख रुपए उसने लिए आया ना ट्रक वाले ने कैसे कॉस्ट जोड़ी थ्री लाख रुपए तो जाने का खर्चा एक लाख रुपए खाली ट्रक आएगा खाली ट्रक का ज्यादा वजन उसमें होता नहीं तो खर्चा ज्यादा आता नहीं तो वन लाख रुपए उसका खर्चा है टोटल फोर लाख तो सर क्वेश्चन क्या आया कि नेपाल भूटान के लिए बैठाइए दिल्ली से नेपाल भूटान जा रहा मान लो दिल्ली टू नेपाल चलो मान लो तो थ्री लाख रुपए तो ये गुड्स लेर है ये तो एक्जाम चलो सर क्वेश्चन है ये लाख रुपए जो खाली वापस आ रहा है क्या ये भी एक्जिम रहेगा तो इस सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया कि हाँ भाई हाँ। कि जो ट्रक जाएगा वो ट्रक आएगा भी तो है सो इन सच केस इट इज ऑल्सो एक्सम फ्रॉम जीएसटी और इस वन लेग पे भी मिलेगा एंड नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन लेग इन्होंने जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन हुआ था जो डिस्कशन हुआ था इस पॉइंट को लेके उसका रेफरेंस भी दिया एंड देन दैट रेफरेंस सेट दैट इफ द एम्प्टी कंटेनर इज कमिंग बैक देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट

रेगुलेशन फ्रेम फॉर ट्रांसिपम ऑफ कार्गो टू नेपाल भूटान इट इज वेरीफाइबलर विच वॉज टू डिलीवर मतलब वही आएगा इनका कंट्रोलिंग रहेगा इनका वो हम वेरीफाई करेंगे वही ट्रक आ रहा है तो कन्फर्म आते हैं तो इसलिए इज ऑल्सो कवर्ड बाय दिस एक्सिमिशन रिटर्न ऑफ एम टी कंटेनर पर भी जीएसटी नहीं लगेगा मतलब अल्टीमेटली पूरे फोर है भाई साहब एग्जिम क्लियर डन सर ये हो गया आपका ट्रांजिट कार्गो टू एंड फ्रॉम नेपाल भूटान का पॉइंट आओ बच्चों नेक्स्ट सर अगेन एक और सर्कुलर है सर कोई नया पॉइंट नहीं है सर अरे टोल चार्ज के बारे में हमने पढ़ा ना सर क्या पढ़ा था हमने सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज तो टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अर अब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन टोल चार्ज एंड जीएसटी नहीं लगेगा टोल चार्जेस पे ओके माय पॉइंट इज दर्कुलर ऑलरेडी पढ़ावा था सर कि जो बड़ी बड़ी ट्रक होती है जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग लोडिंग उनके लिए ओवरलोडिंग लोडिंग फीस लगती है टू टाइम्स फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स एट टाइम्स टेन टाइम्स है हाँ ना जो नॉर्मल टोल रेट होता है उसे टू टाइम्स फोर टाइम्स इतना टाइम उसका चार्ज लगता है तो किया at the toll था गवर्नमेंट ने ओवरलोडिंग चार्जेस एट द टोल प्लाजेलोडिंग टोल प्लाजा वुड गेट द सेम ट्रीटमेंट एज गि क्या है? सर फास्टैग आपने देखा होगा आजकल नेशनल हाईवे पर फास्टैग हर वाइकल पर होना चाहिए फास्टैग होगा ऑटोमेटिक टोल चार्ज कटेगा एंड सर वाइकल क्लियर पर अगर आपके व्हाइकल पर फास्टैग नहीं है तो टोल चार्ज डबल लगता है बेटा अगर आप फास्टैग की लेन में लग गए तो बेटा फास्टैग की लेन में लगे गए सौ रुपये मान लो टोल चार्ज है और अगर आपके वाइकल पे फास्टैग नहीं है या इनवैलिड फास्टैग है या उसमें बैलेंस नहीं है और आप मैनअली दे रहे हो पैसा वहां पर फिजिकल तो दो सौ रुपये लगेंगे सर डबल होता है सर फास्टैग जो टोल चार्ज होगा डबल लगेगा तो यहां पर सर्कुलर ने बोला कि जो एक्स्ट्रा सौ रुपये लग रहे है। मतलब डबल जो लग रहा अमाउंट क्या उस पर भी एक्जीमिशन मिलेगा या सौ रुपये पर एक्जिशन मिलेगा और सौ पे टैक्स लग जाएगा तो अगेन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अल्टीमेटली है किसके लिए ज आर सर्विस एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज दीज आर हायर टोल चार्जेस और इस सर्कुलर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि हायर टोल चार्ज भी टोल चार्ज ही होते हैं उस पर जेस्ट नहीं लगता इसलिए डिपार्टमेंट ने यहाँ क्लियरिफाई किया और बोल दिया क्या भाई साहब हमने ऑलरेडी सर्कुलर इश्यू कर दिया है हमने ऑलरेडी क्लियरिफाई कर दिया है दैट ओवर लोडिंग चार्जेज एट दोल चार्जेज वुड गेट द सेम ट्रीटमेंट एज गि सर जिन व्हीकल्स पर फास्टैग नहीं है नॉट है सर उसको भी टोल चार्ज ही मानेंगे और ऐसे केस में सर सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू सच टोल चार्जेस एंड विल बी फ्रॉम जीएसटी भारत माता की जय क्लियर डन सर ये भी सर्कुलर खत्म होता है अब आई होप जिंदगी में आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं आई होप अमेंडमेंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके एंड पे एंड अच्छे से कवर भी हो रहे हैं अच्छा सिंस हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए तो एक काम करते हैं ब्रेक ले लेते हैं सर डोंट वरी एंड सर मिलते हैं ब्रेक के बाद सर अभी हमने यहाँ तक पढ़ाया बेटा। यहाँ तक आपके एक बार कर बेटा, अब अच्छा, आप देख ज़्यादा थे बेटा। पर वो बात नहीं है अमेंडमेंट्स होले हो सारे हम कवर कर लेंगे और अच्छे से समझ मारे कोई टफ नहीं है बच्चों क्लियर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है माहौल मिलते हा या पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और इंडिया को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो क्लियर देखो बेटा हम सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं सर अभी अपना रोल क्या है अच्छे से पढ़ाई करना सर अच्छे से एजुकेशन अगर आप लेंगे आपका माइंड ब्रॉड होगा अगर आप अच्छे से माइंड से काम करेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे सो दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री सो अभी आपका रोल क्या है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना ऑल दी बेस्ट मन लगा के पढ़ाई करिए खुश होकर पढ़ाई करिए दिल से पढ़ाई करिए माहौल बनेगा एंड आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अगर दिल से काम करते हो ऑल द बेस्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद बाय